नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। खबर डबरा सुन रही है। पुराना जमीनी विवाद को लेकर बघेल समुदाय में हुआ खूनी संघर्ष। एक पक्ष के 6 लोग वहीं दूसरे पक्ष के 5 लोग हुए घायल। दोनों पक्षों से महिला पुरुष सहित 11 लोग घायल। सभी घायलों को पहुंचाया सिविल अस्पताल डबरा। सूचना मिलने पर पिछोर थाना प्रभारी केडी कुशवाहा पहुंचे घटना स्थल पर। पिछोर थाना क्षेत्र के शंकरपुर गाँव का है मामला। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश पागल। क्या मामला हुआ है आपके? मामला ये हुआ है कि कट्टा और कट्टा फायरिंग की है। एक ने कट्टा लगा यहाँ पे मेरे बड़े भाई की। यहाँ से आपने भी वीडियो देखी है, मेरे पास भी वीडियो बनी हुई है उसकी। 4 जने डले, हम दांत टूट गए, मुंह और डले, मेरे नाक से ब्लड आ रहा है, मेरा हाथ टूट गया है, ये मेरी असली टूट गई है। ये देखो साहब, नीचे करो साहब, ये देखो। क्या नाम है आपके भाई का? मेरे भाई का मनोज नाम है। एक भाई में अंदर है, एक नरेंद्र है। उन चारों को पुलिस ले गई है मेडिकल के लिए। बहुत गंभीर हालत है उसकी। हाँ, हमने पहले भी आप गांव में दो बघेल परिवार आपस में कुछ जमीनी संबंधी विवाद है इन दोनों का। कल इनकी नप्ती होनी थी, जमीन की नाप होनी थी, उसी बात को लेकर आज इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। लाठी डंडों से मारते हैं। कितने लोग हैं दोनों पार्टियों में? एक तरफ 5 है, एक तरफ 4 है। अभी तो ऐसा कोई साथ नहीं मिला है गोली चलने का, उसको बारीकी तस्दीक की जा रही है। घायलों को डबरा अस्पताल के लिए।